सॉरी ओके। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता चुन ली गई हैं और कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में ये मुहर लगने का काम हुआ है। बड़ी खबर, खड़गे ने सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा था, सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता चुन ली गई हैं। सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक जो है वो लगातार जारी है और राहुल गांधी का नेता विपक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। ये बड़ी खबर, कांग्रेस की तरफ से मोर्चा अब राहुल गांधी संभालते हुए नजर आएंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवम प्रताप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। शिवम, बड़ी जानकारी, सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया और राहुल गांधी नेता विपक्ष के तौर पर उनके नाम पर लगभग मुहर लगना तय है, क्या जानकारी? देखिए, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक शाम 6 बजे से लगातार जारी है। इस बैठक में अध्यक्ष खड़गे के प्रस्ताव पर कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक बार फिर नेता चुनी गई है सोनिया गांधी, सूत्र दावा कर रही है। इसी बैठक में सभी सदस्यों ने राहुल गांधी से नेता लोकसभा में नेता बनने की भी अपील की, हालांकि इसको लेकर उन्होंने हामी नहीं भरी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि आने वाले कुछ समय के बाद ये लोकसभा में नेता का ऐलान होगा, लेकिन फिलहाल सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का नेता चुना गया है। बिल्कुल, नेता चुन लिया गया है और यह बैठक क्या अभी भी जारी है और राहुल गांधी के नाम का ऐलान कब तक हो सकता है? ऑनलाइन योर कॉल हैज बीन केप्ट। शिवम, आपका आवाज मिल पा रही है क्या? तो राहुल गांधी का नेता विपक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है और राहुल गांधी जिस तरीके से सवाल उठाया करते थे पहले लोकसभा में, अब और मजबूती से वो सवाल उठा पाएंगे। सेंट्रल हॉल में ये बैठक चल रही है, कांग्रेस संसदीय दल की ये बैठक है और कांग्रेस के सभी सांसद जो चुने गए हैं वे इस बैठक में मौजूद हैं और इसमें एक बड़ा प्रस्ताव सोनिया गांधी के नाम का रख दिया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था और सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी को नेता चुन लिया गया है और माना जा रहा है कि अब विपक्ष की कमान, मुख्य रूप से कमान जो है वो राहुल गांधी के हाथ में होगी। राहुल गांधी का नेता विपक्ष बनना तय माना जा रहा है, ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। बैठक अभी भी लगातार चल रही है और इस बैठक में बड़े फैसले हो सकते हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है।